ज्यादातर लोग गलती करते हैं कि अपने लिंक को प्रॉपर ढंग से नहीं बनाते और शेयर करने में प्रॉब्लम होती है या वो यूट्यूब पे नहीं खुलती है। तो आज हम डिफरेंट टाइप ऑफ लिंक बताएंगे आपको, जिसमें सबसे पहले जो है आपकी शेयरेबल लिंक है, जो आपको जब वीडियो आप बनाते हैं तो यूट्यूब खुद ही बना के दे देता है और यहाँ से ये देखिए आपको शेयरेबल लिंक मिल जाती है। तो आप उस शेयरेबल लिंक को यहाँ से कॉपी करके और तब पर पेस्ट कर सकते हैं। तो हमने दूसरी वीडियो के इस वीडियो में दूसरी वीडियो की लिंक बनाई है और इसको यहाँ पर पेस्ट किया है। तो इसमें देखिए YouTube पूरा नहीं लिखा रहता, YouTube.de करके लिखा रहता है और उसके बाद उस वीडियो की यूज आईडी लिखी रहती है। तो शेयरेबल लिंक जो होता है ये वाला जो है आपका वर्क करता है। तो कैसे वर्क करता है यहाँ पर ये देखिए, जब हम लोग यहाँ पे शो मोर में जाते हैं इसके डिस्क्रिप्शन में, तो ये देखिए आपकी लिंक सब ऐसे YouTube बनाने लगा है। तो टाइप ऑफ लिंक में जब हम लोग जाएंगे तो देखिए शेयर लिंक ये है, तो जब इसको आप क्लिक करिएगा तो ये डायरेक्ट YouTube में खुलेगा। अभी हम लोग वापस चलते हैं। इसी तरह से और लिंक भी बनाए हैं हमने जो वन बाय वन आपको बताएंगे। तो नेक्स्ट है आपका वॉच पेज लिंक। जब आपका कोई पेज खुल जाता है तो उस पेज पर लिंक बन जाता है, उसको वॉच पेज लिंक कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये आपका एड्रेस बार में ये लिंक आ जाता है। तो एड्रेस बार में ये देखिए ये जो लिंक आता है ये वॉच पेज लिंक होता है। तो ये भी हमने आपको दिखाया, यहाँ पर पड़ा हुआ है और इसको जब हम लोग क्लिक करेंगे तो भी ये टाइप्स ऑफ लिंक में देखें ये प्लेएबल है। तो जब ये खोलिएगा आप तो ये आपका यूट्यूब पे ही खुलेगा। नेक्स्ट हमने बताया है कि एडिटिंग मोड में जब आपका लिंक बनता है तो वो कैसे बनता है। तो एडिटिंग मोड में जब आपका लिंक बनता है तो उसमें देखिए वॉच की जगह पे वीडियो लिखा रहता है। यहाँ पर देखिए वॉच लिखा हुआ है। जब एडिटिंग मोड में आप ये देखिए एडिट मोड है तो एडिट मोड में वीडियो लिखा रहता है वॉच की जगह पर। तो ये जब आप खोलिएगा तो ये आपका वीडियो रन नहीं होगा, ये वीडियो आपका जो है वो एडिट मोड में खुल जाएगा, ये क्रिएटर स्टूडियो में खुलेगा। तो ये क्रिएटर मोड में खुलेगा, ये आपका यूट्यूब पे रन मोड में नहीं खुलेगा। तो बी केयरफुल, जब भी आप अपनी लिंक डालिए तो सोच समझ के डालिए और समझ के डालिए कि आप क्या डाल रहे हैं। अब नेक्स्ट हमने लिंक डाली है जो वो हम आपको दिखा रहे हैं। नेक्स्ट लिंक हमने डाली है डब्लू डब्लू मेथड से। तो ये जब डब्लू डब्लू लिखेंगे और HTTP नहीं लिखेंगे तो ये भी लिंक हमारी वर्क नहीं करेगी, इसमें लिंक क्लिकेबल ही नहीं होगी। और हम सोच रहे हैं कि हमने लिंक प्रॉपर बनाई है तो ये लिंक हमारी क्लिकेबल ही नहीं होगी। तो हम इस पे जाएंगे शो मोर पे और देखेंगे तो ये आपकी देखिए ये लिंक आपकी बनी ही नहीं है। ये डब्लू 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 वाली लिंक जो है ये देखिए, इसको आप जब कॉपी करके भी डालिएगा तो भी ये रन नहीं होगी, क्योंकि ये Did you mean YouTube.com? तो ये वर्क नहीं करेगी। अब नेक्स्ट आपकी है गूगल सर्च से कैसे आप बनाते हैं। तो गूगल सर्च में जब आप जाते हैं तो यहाँ पर आप अपने वीडियो का जब टॉपिक लिखते हैं तो वो सर्च होता है। तो हमने अपने वीडियो का टॉपिक जो बना रखा है उसको हमने सर्च किया, इसको कंट्रोल सी करेंगे और गूगल ड्राइव में जाएंगे, यहाँ पर वी कर देंगे। अब ये हमारा जो ये वीडियो का लिंक बना इसको हमने कॉपी की और वहां पर पेस्ट किया। तो ये हमारा लिंक देखिए बड़ा सी आके बन गया। तो अब ये लिंक जो बना ये फिल होगा और जब आप इसको क्लिक करिएगा तो ये गूगल सर्च में खुलेगा। तो ये भ्रांति की गूगल सर्च वाला लिंक हम खोलेंगे तो ये यूट्यूब पे खुलेगा, तो वो यूट्यूब पे नहीं खुलेगा। तो ये लिंक भी आप किसी को शेयर मत करिए। अब आया आपका YouTube सर्च के थ्रू कैसे लिंक बनेगा। तो YouTube सर्च पे जब हम लोग जाते हैं
यहाँ पे यूट्यूब सर्च पे जाएंगे, यूट्यूब सर्च पे जाकर हम लोग इसको कंट्रोल भी करेंगे। ये आपका यूट्यूब पे खुलेगा, अगर नहीं खुलता है तो खुल गया हाउ टू मेक अ डायरेक्ट लिंक, तो ये यहाँ से देखिए ये जो लिंक बना आपका ये यूट्यूब का लिंक बना है, ना कि शेयरेबल लिंक बना है, तो आपका ये यहाँ पर होम पेज पे खुलेगा। तो आप इस तरह के लिंक मत बना के शेयर कीजिए जो गूगल पे खुले, यूट्यूब पे खुले, और या किसी के जब आप ये वीडियो में से आप लिंक को कॉपी करके वो वीडियो का, तो वो वीडियो भी नहीं खुलेगा। तो किसी के वीडियो में से लिंक कॉपी करके मत डालिए, क्योंकि गूगल जो होता है वो आपके लिंक को शॉर्ट कर देता है, और शॉर्ट कौन सा लिंक है कैसे आप जानिएगा, इसको अभी हम दिखाते हैं कि शॉर्ट लिंक क्या होता है। शॉर्ट लिंक आप वेबसाइट्स पे भी बना सकते हैं, जैसे बहुत लोग बिटली और ओपन ऐप ओपन में बनाते हैं या ऐप ओपनर में बनाते होंगे, तो उससे भी आप शॉर्ट लिंक बना सकते हैं, वो डायरेक्ट यूट्यूब पे खुलता है। लेकिन अगर आप इस टाइप का लिंक जो यहाँ पर बना हुआ है, जो यूट्यूब ने शॉर्ट करके बना रखा है, ये लिंक अगर आप कॉपी करते हैं और अपने पे पेस्ट करते हैं, देखिए हमने एक पेस्ट किया है, तो यहाँ पर ये हाउ टू मेक डायरेक्ट लिंक ये वाला हमने कॉपी करके यहाँ पे कॉपी किया, तो ये लिंक जो आपका है क्लिकेबल नहीं बनेगा, क्योंकि वो यूट्यूब जो होता है उसको शॉर्ट कर देता है, और जब आप कॉपी करते हैं तो वो अधूरा कॉपी होता है, तो यहाँ पर जो लिंक बनता है वो क्लिकेबल नहीं होता है। तो आशा करते हैं आपको अब पता लग गया होगा कि कौन सा लिंक शेयर करना चाहिए। बेस्ट आपका है कि आप शेयर लिंक से जो लिंक बनता है उसको शेयर करिए, तो आपका वीडियो जो है वो यूट्यूब पे ही खुलेगा और कहीं नहीं खुलेगा। अदरवाइज और सारे वीडियो या तो वॉच पेज पे खुलेंगे, या तो एडिट मोड पे खुलेंगे, या तो खुलेगा ही नहीं जिसका लिंक बन ही नहीं रहा है, या तो गूगल सर्च पे खुलेगा और या तो यूट्यूब सर्च पे खुलेगा। आपका शेयरेबल लिंक जो यूट्यूब बनाता है वही आपका शेयर करने पे आपका यूट्यूब पे खुलता है। तो अगर आप डायरेक्ट शेयर करते हैं तो भी गूगल के रूल के खिलाफ है, बहुत ज़्यादा वो शेयरिंग नहीं पसंद करता है, तो उसके लिए आपको शॉर्ट लिंक बनाना पड़ता है, जैसा कि हमने अपने चैनल के लिए बनाया है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। बिटली या ओपन ऐप से आप अपने वीडियो के लिंक को शॉर्ट बना सकते हैं। सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर, इफ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। रतन अग्रवाल, IT इन्फॉर्मर, थैंक यू।